नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा पहला ट्रिक है चूड़ी से। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हमें चूड़ी वगैरह तो ले जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, चूड़ी ऐसी चीज़ है ना कि चूड़ी को बहुत सेफ्टी तरह से रखनी चाहिए। तो देखिए, चूड़ी सेफ्टी रखने के लिए सबसे बढ़िया मैंने ये लिया है, एक ये रबड़ बैंड लिया है। आपको रबड़ बैंड चौड़े वाला लेना है कि इसको जब भी रबड़ बैंड आप खोलेंगे ना तो देखिए अक्सर ये चौड़ा हो जाता है। तो इसमें देखिए मैं चूड़ी को किस तरह रख रही हूँ, और इसमें आप लगभग एक रबड़ बैंड में एक दर्जन चूड़ी आप रख सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये एक दर्जन चूड़ी है, मैं आपके सामने इसमें एडजस्ट कर रही हूँ। अब बहुत थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत इजीली तरीके से इसको सेफ्टी आप रख सकते हैं। अब बहुत ही सेफ्टी रहेगा आपका, ये कहीं बिखरने का भी डर नहीं है और कहीं टूटने का भी डर नहीं है। बहुत इजीली तरीके से आप जब भी शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो इसको बहुत इजीली तरीके से आप इसको ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी तरह मैंने इसको रख लिया है, बहुत इजीली तरीके से मैंने रख लिया है देखिए, और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको दो तीन दर्जन चूड़ियाँ ले जानी हैं तो इसी तरह के दो तीन रबड़ बैंड ले लीजिए और उसमें अच्छी तरह रख के आप इसको ले जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ना कमाल का आइडिया। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। देखिए, इस तरह रखने के बाद आप डिब्बे में कवर करके भी ले जा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आइडिया मेरा ये है दाल से। अक्सर हम क्या होता है कि जब राशन वगैरह ले आते हैं दाल वाल, तो देखिए इसका गांठ खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर दोस्तों ये गांठ नहीं खुलता है, देखिए हम चाकू के हेल्प से इस तरह हम इस गांठ को खोल लेंगे। अब बहुत इजीली तरीके से ये खुल जाता है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया देखिए हमारा ये बेसन से है। जब भी हम कंटेनर में बेसन रखते हैं तो हम चम्मच का यूज करते हैं, चम्मच से मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चम्मच से मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से ये देखिए लेना है। अब बहुत इजीली तरीके से आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, और देखिए बहुत आराम से भी निकल जा रहा है। इसमें आप दो बार तीन बार जितनी बार निकालना चाहे बहुत आराम से ये निकल जाता है, गिरने का भी डर नहीं है। तो दोस्तों, इससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, ना बिखरने का डर है, ना नापने की ज़रूरत है। आई होप दोस्तों की वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया देखिए हमारा ये है पत्ते गोभी से। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब भी हम घर में चाउमीन वगैरह बनाते हैं, तो देखिए हम चाकू का हेल्प लेते हैं और इस तरह से हम काटते हैं तो बहुत मोटा कट जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम इससे जिससे आलू छीलते हैं ना, उसका हेल्प लेंगे। हम चाउमीन के लिए अगर इस तरह पत्ता गोभी काटते हैं ना, देखिए इस तरह बहुत बारीक बारीक इससे चाकू से मोटा कटता है और उससे बहुत बारीक बारीक कट जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने भी इस तरह करके दिखाई हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये हमारा स्क्रबर से। स्क्रबर जब भी हम निकालते हैं ना दोस्तों, तो अक्सर ये क्या है कि ये ज़्यादा दिन तक की चलता नहीं है, और दोस्तों क्या होता है कि इसमें जंक लग के ना ये जल्दी ख़राब भी हो जाता है और टूट भी जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसको काफ़ी दिन तक के चलाने के लिए हम इसके लिए एक उपाय लिए हैं। तो देखिए, हमने गर्म पानी पैन में कर लिया है और मैं स्क्रबर इसमें डाल दी हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक चम्मच विनेगर भी डाल दिया है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, और डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे अच्छी तरह, मतलब इसको खौला लेंगे। तो देखिए, मैंने गैस बंद कर दिया है, मैंने बाहर पैन ले आई हूँ उठा के इधर। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं बहुत गर्म हो रहा है, तो इसको किसी चाकू या चम्मच के हेल्प से हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको ठंडा करने के बाद जब भी आपको यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया ये हमारा है नींबू से। तो दोस्तों क्या होता है कि अक्सर जब भी हम नींबू लेते हैं, देखिए तो हम इसको काट लेते हैं, और जब भी नींबू का हम रस निकालते हैं तो हमें रस इसका जूस निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और हाथ से अच्छी तरह जूस इसका रस निकलता नहीं है। तो देखिए, ये जिससे हम रोटी फुलाते हैं ना, इसका हम सहारा लेंगे चिमटे से,
तो देखिए चिमटे से अच्छी तरह से इसको हम पकड़ के दबा देंगे, बहुत अच्छी तरह से इसका पूरा नींबू का रस निकल जाता है। इसमें बिल्कुल रस नहीं रह पाता है, देखिए आपके सामने निकाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सीधा करके इस तरफ से भी हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ लिया है मैंने, इसमें नींबू में जितना रस था सारा अच्छी तरह निकल चुका है। तो देखिए इस तरह से आप ट्रिक अपनाएंगे ना तो नींबू में कोई भी रस इस तरह से नहीं रुकेगा। और हम नींबू दूसरा ट्रिक इसी में है नींबू के, देखिए इसमें हम टूथ पिन लेंगे और इसमें लगा देंगे, जो हमारा आधा कटा हुआ नींबू है ये सूखेगा नहीं, हम इसी तरह फ्रिज में रख देंगे, ये भी आधा कटा हुआ नींबू हमारा सेफ्टी रहेगा और सूखेगा नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे पेंसिल से। अक्सर दोस्तों कभी होता है पेंसिल से हम जब भी लिखते हैं तो हमारे पास रेजर नहीं होता है तो हमें मिटाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया ये है कि हम सिंपल ही रबड़ लेंगे, ये हाथ में लगा लेंगे बहुत टाइटी से, इसको इस तरह से मिटाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से मिट जाता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ट्रिक आप ज़रूर आजमाइए, और बच्चे को कभी इमरजेंसी में नहीं है तो इस तरह से आप मिटा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और रबड़ को पेंसिल के ऊपर भी लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे बच्चे हैं तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बच्चे को दे देंगे तो इस तरह से लिखेंगे और मिटा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।